अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज मैं आपको ड्रेसिंग करना सिखाऊंगी और डिज़ाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम 18.5 इंच एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और फिर 90 डिग्री के एंगल पर उसी से 18.5 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर हम मेज़र कर लेंगे 10 इंच और फिर वहाँ पर थोड़ा सा निशान लगाकर वहाँ पर हम कर्व कर देंगे और फिर उसके बीच में एक फ्लावर के लिए हिंट्स ले लेंगे और फिर उस पर फ्लावर्स बनाएंगे। और फिर अपने मेज़रमेंट के हिसाब से हम अपना डिज़ाइन बना लेते हैं और हम उसके अंदर ही हमें डिज़ाइन बनाना है ताकि हमारा जो डिज़ाइन हो वो बिल्कुल परफेक्ट हो और सेम हो और सेम डिफरेंस पे हो। ये बेडशीट मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया था, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर 4 लेयर भी है। अब नीचे में हम कार्बन डाल देंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम कार्बन इस तरह से रखेंगे कि इसका ब्लू वाला पार्ट ऊपर की तरफ होगा, तभी हमारा जो ट्रेस होगा वो बेडशीट में हो पाएगा। और फिर 2 लेयर के बाद जो हमें कार्बन रखना है वो इस तरह से रखना है कि एक साइड नीचे भी ट्रेस हो जाए, एक साइड ऊपर भी ट्रेस हो जाए, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में रखकर हमें ट्रेस कर देना है। अब हमारा सेंटर पर का जो डिज़ाइन है वो भी बस इसी प्रोसेस से कार्बन जैसे मैंने अभी बताया सेट करके वैसे ही सेट करना है और फिर ये बीच वाला डिज़ाइन भी हमें ट्रेस कर लेना है। हम इसे इस तरह से इसलिए ट्रेस करते हैं ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो पूरे बेडशीट पर बिल्कुल परफेक्ट हो सके, कुछ डिफरेंस ना हो। और अगर आप ये वाला डिज़ाइन बनाना चाहते हैं अपनी बेडशीट में, किसी भी कलर की बेडशीट में, तो आपको ध्यान रखना है कि अभी जो मैंने आपको मेज़रमेंट बताया है उसी मेज़रमेंट पे आपको बनाना है। 1/2 इंच भी बेलो नहीं होगा और ना ही अबव, तभी आपका जो डिज़ाइन होगा वो बिल्कुल परफेक्ट हो पाएगा और आप पेंट करेंगे उस पर तो वो भी परफेक्ट होगा। तो अब ये हमारा ड्रेसिंग हो चुका है रेडी। तो अब हम इस पर पेंट जब करेंगे तो उससे पहले हमें अपने डिज़ाइन पर वाइट कलर से कोट करना होगा ताकि हम जो कलर इस पर अप्लाई करेंगे वो अपना रियल कलर दे सके, वरना ये रेड के साथ मिक्स होकर कोई और ही कलर बना देगा। तो अब मैं अपने इस डिज़ाइन पर वाइट कलर से कोट कर लूँगी और फिर अपने पेंटिंग का सारा वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगी। सो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामुअलैकुम।